Hello students, good morning. Today we will learn the first topic, regrouping numbers, from the lesson third, subtraction. From this topic we will learn how to take, borrow. Clear? तो बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक में क्या सीखेंगे कि हमें borrow कैसे लेना है. Okay? So see the first example, subtract 47 from 75. यहाँ पे क्या करना है, 75 से 47 को subtract करना है, minus करना है. ठीक है, complete the solution, steps of borrowing. Okay, यहाँ पे borrowing के steps दे रखे हैं. See the first is steps of borrowing. Determine if there is more on the floor, 7 ones are more than 5 ones. Clear? यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाला नंबर जो है वो क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, किससे, ऊपर नंबर से. ठीक है, आप देखें ना, 5 जो है 7 से छोटा है. ठीक है, और 7 5 से बड़ा है. तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या है, ज़्यादा है, ऊपर वाला नंबर कम है. क्लियर, कम टू द सेकेंड स्टेप. Borrow from the next door by turning 1 10 into 10 ones. Clear? तो 5 जो है 7 से borrow लेगा. तो 7 क्या करेगा, 1 10 का borrow देगा. ठीक है, जब 1 10 ones में जाएगा, ones column में जाएगा, तो किस में convert हो जाएगा, 10 ones में convert हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि 5 ones plus 10 ones होगा. ठीक है, इक्वल टू 15. क्लियर, तो ऐसे ये 5 से 15 बन गया. इसने 110 का इसे बोरो दिया, 5 को 10 वंस में कन्वर्ट हुआ. 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, अब ये 15 हो गया. क्लियर, अगर इसकी जगह 2 होता 5 की जगह, तो 110 इधर से बोरो जाता, तो 2 में 10 प्लस होता तो क्या बन जाता, 12. इसी तरह अगर 3 होता तो 13 हो जाता, 6 होता तो 16 हो जाता. ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर छोटा होगा ऊपर, अगर बड़े वाले से बोरो लेगा तो कितने नंबर का बोरो लेगा, 110 का. ठीक है, 110 का बोरो लेगा और वो वंस प्लेस में जाके 10 वंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे और उस नंबर से वो ऐड हो जाएगा. क्लियर, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे ऐड हो जाएगा. क्लियर, 5 है तो 15 हो जाएगा, 3 है तो 13 हो जाएगा, 6 है तो 16 हो जाएगा. कम टू द थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द डिफरेंस. अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका डिफरेंस पता करेंगे. क्लियर, तो हमने सेकेंड स्टेप में बोरो ले लिया था, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे. ठीक है, चलिए पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 15 माइनस 7 इक्वल टू 8. ठीक है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2. ओके, तो हमें कितने नंबर्स का डिफरेंस मिला, यहाँ पे 28 नंबर्स का डिफरेंस मिला. ओके, सो दिस इज द आंसर, 28. आंसर इज 28. कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 92. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 92 से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 92 ऊपर रखा हुआ है नंबर और 35 जो है नीचे रखा है. ठीक है, और 92 ऊपर क्यों है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और 35 नीचे क्यों है, क्योंकि छोटा नंबर है. आपको पता ही होगा कि सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा नंबर होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं. क्लियर, We can't subtract 5 from 2 since 5 is bigger than 2. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा है. क्लियर, और 2 जो है 5 से छोटा है. ओके, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जबकि ऊपर नंबर को बड़ा होना चाहिए था और नीचे नंबर को छोटा होना चाहिए था. क्लियर, कम टू द नेक्स्ट पेज. So what do we do? तो हम क्या करें,
गो टू द नेबर एंड बोरो 10 मोर. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बगल वाले के पास जाएंगे और बोरो लेंगे 110 का. क्लियर, 10 मीन्स 110. ओके, हाउ कैन वी डू दैट, तो हम कैसे करें इसको, 92 इक्वल टू 9 टेंस एंड 2 वंस. जैसे आपको पता है कि 9 टेंस पे है, टेंस प्लेस पे होता है, और 2 वंस प्लेस पे होता है. क्लियर, बट इफ़ वी बोरो फ्रॉम द टेंस प्लेस एंड पुट इट इन द वंस प्लेस, वी कैन राइट 92 इक्वल टू 8 टेंस एंड 12 वंस. ओके, अगर हम 9, ठीक है, 9 जो है, 9 कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है. टेंस प्लेस से हम बोरो लेके वंस प्लेस पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, 8 टेंस एंड 12 वंस मिलेगा. कैसे, ये जो है 9 से हमने क्या लिया, 110 बोरो लिया, 110 बोरो लिया तो वंस प्लेस पे गया, वो किस में कन्वर्ट हुआ, 110 10 वंस में कन्वर्ट हुआ. क्लियर, तो क्या होगा, तो ईजली 2 वंस प्लस 10 वंस, अब क्या होगा, ऐड हो जाएगा ईजली. ओके, जब 110 वंस प्लेस पे आया तो वो 10 वंस में कन्वर्ट हो गया, तो ठीक है, ऐड हो जाएगा 2 वंस प्लस 10 वंस इक्वल टू 12 वंस. ओके, 12 वंस, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 जो है 12 हो जाएगा और ये 9 जो है 8 हो जाएगा. क्लियर, सो 8 टेंस एंड 12 वंस हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, नाउ वी कैन ईजली सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 12 इन द वंस प्लेस. अब हम क्या कर सकते हैं, 12 में से 5 को ईजली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 12 माइनस 5 इक्वल टू 7. ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8 इन द टेंस प्लेस. ओके, अब हम टेंस प्लेस वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5. वी गेट द आंसर 57. तो हमें आंसर क्या मिला, 57. ओके, और यही हमारा 57 क्या है, डिफरेंस है. क्लियर, सो नाउ कम टू द होमवर्क, क्लास असाइनमेंट 3A, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. दीज 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क टुडे. क्लियर, तो इससे पहले वाले हमने कौन से क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हमने कल होमवर्क दिए थे और उसके बाद के क्वेश्चंस आज होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, 9, 10 एंड 11. ओके,